सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में। और पहले ही एपिसोड में हम ऐसे कुख्यात आदमियों को ले आए हैं। अब कुख्यात आप सोचोगे कुख्यात क्या होता है, तो आप सर्च कर लेना एक बार। तो गाइस, हम ऐसे आदमी को ले आए जिसने हरियाणा इंडस्ट्री में देसी के साथ ऐसा हिप हॉप मचा रखा है कि आप सुनो उनके गाने। मैं लिटरली खुद गाने जब उनके सुनता हूँ तो मैं भाई बूम बाम हो जाता है। तो स्वागत करते हैं अपने भाई आरपीएस अमर विकल का। आठ साल लगे यहाँ तक आने में, आज मेरी गैल कून कून है। हाथों को धन्यवाद भाई, रोम रोम जी। अमर भाई, तो ये बताओ मतलब क्या कर रखा है भाई, ये देसी में हिप हॉप घुसा रखा है, मतलब क्या क्या बजा रहे हो भाई? भाई कुख्यात पने मचा रहे जीवन में। अरे भाई, कुख्यात तो मैं समझ गया, वो तो मैंने कुख्यात गाना भी सुन लिया आपका, लेकिन ये मतलब कैसे, क्या सोचा, मतलब भाई क्या सोच के आप कर रहे बेसिकली हो? बेसिकली सीन क्या है कि हिप हॉप अभी अभी मार्केट में आया है, जो कि हमारे लिए 5 से 10 साल पहले आ चुका है। तो हम तब से कर रहे हैं, और हमने क्या करा है कि उसके अंदर जो हमने बचपन से जो चीज़ें सुनी है, जैसे कि अपना हरियाणा का म्यूज़िक सुना है, रागनियाँ सुनी है, हमने उस टेक्सचर को उसके साथ मर्ज कर दिया, एक फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है। तो उस फ्यूज़न को ही हम कुख्यात कहते हैं, और वही कुख्यात पर हम फिलहाल मार्केट में बिखेर रहे हैं भाई। तो अमर भाई, ये शुरुआत कैसे किया आपने, इसको शुरुआत कैसे हुई जर्नी इसकी, जर्नी जर्नी बताओ यार कुछ। जर्नी ऐसी थी भाई, मैं मतलब स्कूल में पढ़ता था, 8th क्लास में। एट क्लास में हमको शौक चढ़ गया था कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। म्यूजिक में मतलब म्यूज़िक अच्छा डिसाइड नहीं हुआ कुछ करना था, है। डिसाइड नहीं हुआ था हाँ म्यूज़िक उस कुछ टाइम तक कि करना क्या करना है म्यूज़िक में। मतलब म्यूज़िक तो डिसाइड ही नहीं था। तो उससे पहले मैं मतलब साइंटिस्ट था, साइंस की चीज़ें करा करता था। तो मेरे को शौक था कि भाई कुछ बना दिया, कुछ तोड़ दिया, कुछ जोड़ दिया, तो ये वाले काम करा करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब दिमाग ने सोचना चालू करा कि यार एक साइंटिस्ट तो अच्छी बात है, ये तो एक कला है, पर कुछ ऐसा करना है जो जाने के बाद भी रहे। जाने के बाद फिर बड़ा सोचा इन चीज़ों के बारे में कि जाने के बाद क्या रहेगा। तो हमें पता चली भाई, जाने के बाद एक ही चीज़ रहती है, सुख में भी म्यूज़िक रहता है, दुख में भी म्यूज़िक रहता है, बिल्कुल बिल्कुल खुशी, मतलब हर प्रकार से। बिल्कुल कोई भी एक ऐसा जोन नहीं है जिसमें आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते, क्योंकि बिल्कुल हर जोन का एक अपना डिफरेंट गाना है। एग्जैक्टली। सो भाई, आपने मतलब कोई कोई ऐसा गाना बताओ जो पहले मतलब सबसे पहले लिखा हो, टूटा फूटा सा, और मतलब लगाओ क्या, हाँ भाई ये तो तो मतलब ठीक है, हो गया, अच्छा हो गया, ऐसा कुछ। भाई हाँ, ऐसा गाना है एक भाई, स्टार्टिंग में, बिल्कुल और वो स्टार्टिंग रिलीज भी में ना किया हो आपने? रिलीज़ करा ही नहीं है भाई वो गाना अच्छा, किया ही कभी। नहीं है? मतलब वो अच्छा बचपन में यार पता नहीं थी क्या कितने चीज़ें हैं, कितने हमारे पास प्लेटफॉर्म है। तो हमने बस एक छोटा सा काम करा था कि मिस्टर जट की हमें कहीं से पता चली कि मिस्टर जट पे गाना डल सकता है अपना। तो हमने मतलब उस टाइम पे मिस्टर जट पे गाना गया था, गाजीपुर जहाँ मैं रहता हूँ फिलहाल, HR 51 में। तो वो अपनी जगह भाई गाजीपुर, एड्रेस तो रिवील कर दिया, कोई बात नहीं अभी लैंडमार्क नहीं अभी पहुंच जाना, बताएंगे जाने का नहीं भाई। नहीं, ठीक मैं भी उसकी तरह कहूँगा राम राम जी भाई, मेरे घर नहीं आना, सीधी बात है। तो भाई वहाँ क्या सीन हुआ कि गाजीपुर के ऊपर ही कुछ बना दिया मैंने, तो गाने का नाम रखा था तो आप गाजीपुर। बेसिकली गाजीपुर से बिलोंग करते हो, तो बिलोंग में भाई करता हूँ, HR 30 पलवल से, बिचपड़ी मेरा गाँव है भाई, तो बिलोंग में वहाँ से करता हूँ। हम यहाँ लगभग 15 साल पहले घर वाले यहाँ आ गए थे। मुझे इनके गांव की भी कुछ स्टोरी पता, मैं पूछूंगा इनसे थोड़ी देर बाद, मुझे वो पता चली मेरे को कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई। तो अभी आप ये बताओ, फिर हम गांव की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो सीन क्या हुआ कि भाई मतलब घर वालों ने सोचा कि अच्छी एजुकेशन दिलानी है बच्चों को, अच्छे तरीके से पालना है, तो वो पहले ही शिफ्ट हो गए थे ये सब चीज़ें सोच के अच्छा, गांव छोड़ के फरीदाबाद। फरीदाबाद आ गए। फरीदाबाद आ गए थे 10 से 15 साल पहले। तो उस टाइम पे मतलब हम बच्चे ही थे यार, ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी, तो उस टाइम पे हमने नई नई चीज़ें यहाँ पे आके सीखनी चालू करी। तो उसी अंतराल ये सब कुछ हुआ है, स्कूल में फिर म्यूज़िक में शिफ्ट होना, कि म्यूज़िक हमने बेसिकली, मेरे को ये पता चला कि म्यूज़िक ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो निशान बहुत ही बखूबी छोड़ेगी बिल्कुल जाने के बाद भी। अपना बिल्कुल एम था कि जाने के बाद भी अपने निशान इस धरती पर रह जाए, बिल्कुल तो वो हमने चूज़ करा कि भाई म्यूज़िक है। मेरे दिमाग ने वो चीज़ चूज़ करी कि म्यूज़िक ही है जो जिसकी छाप लंबे समय तक रहती है लोगों पर, बिल्कुल बिल्कुल तो म्यूज़िक करना था भाई। वहाँ डिसाइड ये हुआ था। तो जर्नी गाँव से स्टार्ट होकर फरीदाबाद आई, फरीदाबाद से ही सारे कुख्यात पने चालू हुए, और आज वो कुख्यात पने इतने हो गए हैं कि आप देख पा रहे हो कहाँ बिल्कुल पहुंच बिल्कुल गए भाई, हैं। अभी तो मैं तो यही यार बिल्कुल, मैंने आपका गाना सुना कुख्यात, एक्चुअल गाना है कुख्यात, आप जाओ और सर्च करो कुख्यात। तो भाई उसकी क्या स्टोरी है, मतलब कैसे लिख दिया यार कुख्यात, मतलब कि मैं बताता हूँ लड़की को, लिटरली बोल रहे हैं भाई, यार की बारात आवे खाकी रंग, मतलब क्या था भाई, किसको देख भाई के? इसकी भी एक कहानी है, बिहाइंड द जी सीन बहुत तगड़ा है इसका भी। जी जी भाई तो एक अपने भाई है हरिओम बड़ाना, तो वो भी अपने साथ ही रहते हैं, अपने खास भाई है, बड़े भाई है। तो उनका क्या सीन था, हम दोनों बैठ के ऐसे चिल कर रहे थे, तो हमने मतलब हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में जो हमारी मातृभाषा है भाई, कहाँ कहाँ सीन है, कौन जा रहा हो, हाँ क्या हाँ सिस्टम बना रखा हाँ हो। फरीदाबाद वालों का तो यही है हाँ भाई। मतलब बेसिकली। तो हाँ वहाँ सीन क्या हुआ कि जो हरिओम भाई बैठे हुए थे, तो हरिओम भाई से मेरी बात चल रही है, मैंने कहा यार जीवन में कुख्यात पने बहुत हो रहे हैं। तो भाई ने कहा कुख्यात तो भाई हम भी है। मतलब हमारे यहाँ क्या सीन है कि भाई ने भी एक किसी बेस पे बोली, वो बेस क्या था
कि उनके फादर साहब और मेरे फादर साहब जब हम कुछ काम कर देते ना और वो काम कंप्लीट ना होता या फिर हमसे बोला जाता है कि 10 बजे घर आ जाइयो, तो हम 11 बजे आते हैं, तो घर वाले कहते हैं कुख्यात हो रहे हो, कुख्यात जीवन में कुख्यात बने चल रहे हैं। अमर भाई मतलब मुझे तो थोड़ा बहुत पता है कुख्यात क्या है, बट ऑडियंस को बताओ यार कुख्यात क्या है। बेसिकली भाई कुख्यात का एक छोटा सा मतलब है, कुख्यात का मतलब क्या है, कुख्यात का मतलब ये है कि बदनाम। ओके तो आप बदनाम मानते हो? नहीं नहीं मैं बदनाम मतलब मानता नहीं हूँ, जैसे घर वाले अगर मैं 10 बजे अपने टाइम पे घर नहीं आया या फिर कोई और काम है जो घर वाले ने बोला कि भाई फलाना काम करती हो, तो अभी भी ये सब चलता है कि 10 बजे एंट्री करनी है? हाँ भाई ये तो है, वही तो एंड टाइम तक अभी कोई मतलब कोई छूट नहीं है कि भाई भाई देखो छूट चाहिए भी नहीं बेसिकली, तो उस तरीके से उस चीज को जीते हैं, तो उसके लिए भाई 10 बजे अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है। 10 बजे तो फिर भी अब लेट हो गया, हमारा पहले 8 बजे था। 10 बजे उसके खींच के लेके आए, छूट मिल गई थोड़ी, हाँ थोड़ी छूट मिल गई, 10 बजे उसे खींच के लेके आए हैं। तो भाई कुख्यात शब्द यहाँ से आया था कि हमारे घर वालों से, हाँ हमारे समाज में ये चीज अपने बच्चों को ताने के तौर पे बोली जाती है कि बदनाम आदमी है तू, मार्केट में तेरे बारे में 100 बातें चल रही है, तो उस तरीके से ये बात आई थी। तो मैं और गुजर भाई बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि भाई कुख्यात यार हम है ही, तो मैंने मतलब ऐसे बैठे बैठे भाई कुछ बनाते हैं, भाई कह रहा मन तो भाई मेरा भी है फटना है, ठीक है भाई। तो हमने एक बीट यूट्यूब पे जाके प्ले करी और वो बीट यार एकदम से टच कर गई, सुनते ही टच कर गई कि इसमें है, अच्छा वो बीट जैसे सुनी तो हमें लगा कि इसमें वो वाइब है जो हम करते हैं हम देना चाहते हैं। तो उसके मैं एक और कहानी रिवील करना चाहूंगा, बहुत तगड़ी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो हम एक कुख्यात जगह पे गए और जब हमने गाना एक दिन बना दिया है, मतलब आज रात को हमने गाना बनाया, सुबह सुबह हम उस कुख्यात प्लेस पे गए हैं, वहां जाने के बाद हरिओम भाई को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया और हम भी वही खड़े बड़ाना जी, जो बड़ाना जी को, तो बड़ान साहब को पुलिस वालों ने घेर लिया, अब मैं और एक भाई खड़े हुए हम देख रहे हैं। तो रात को ही हमने गाना बनाया था, तो भाई ने उसमें लाइन लिखी थी कि यार की बरात आवे खाकी रंग की छोरी, यार की बरात आवे। तो ये वहां से ये आपने कैच किया? नहीं नहीं ये पहले बन चुका है गाना, उस टाइम तक ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब पुलिस यार हमारे इर्द-गिर्द रहती है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। पर उसके अगले दिन जैसी कभी मानना है, जैसे सिद्धू पाजी के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, RIP भाई सिद्धू पाजी, तो वो जो लिखते हैं वो बंदे कह रहे हैं कि वो सच हो गया, असलियत में ये है कि भाई जो उन्होंने लिखा है वो ही हुआ है, हुआ है। वो होना नहीं था, हाँ। पर एक कलाकार अपनी लेगेसी लिख देता है, बिल्कुल जो वो लिख देता है। जैसे मेरे साथ के बहुत सारे भाई हैं, हमारी यमराज गैंग है भाई, उसमें बाजीगर भाई हैं, बिगडी भाई हैं, और भी 3-4 भाई और भी हैं, तो वो हमने भी ये चीज़ फील करी, एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करा है कि उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी लिखी कि जो हमारे जीवन में है नहीं, पर उन्होंने लिख दी और उसके 6 या 7 महीने बाद हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि ये हो रहा है और हम हंस रहे हैं इस बात पे कि यार ये तो हो गया। ये तो हमने मजाक में लिखा था, हो गया मजाक में लिखा था, मतलब हमें नहीं पता क्या है, ये कनेक्शन होता है आपके यूनिवर्स के साथ ना, तो वही चटक वहां पे हो गई कि हमने रात को वो गाना बनाया यार की बरात आवे खाकी रंग की, मतलब फुल फील किया आपने फिरा। तो वहां पे भाई बड़ाना भाई के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद मतलब हमें पता था कि छूट के आ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, होता रहता है हमारे यहाँ। तो बड़ाना भाई आया हंसते हुए उधर से कि भाई यार की बरात आवे खाकी रंग की छोरी, यार की बरात आवे, मतलब ये इंसिडेंट सच में हुए हमारे साथ। तो कुख्यात गाने के पीछे और भी बहुत, तो बेसिकली आप रियलिटी पे लिखते हो? हाँ भाई, हाँ। मतलब हम रियलिटी पे नहीं भी लिखते हैं वो हो जाता है, तो भी वो हो ही जाता है भाई। तो भाई चलो ये सब तो ठीक है, बट भाई एक चीज और मेरे को सुनने में जो अभी आई, हम मतलब बहुत लोगों ने भी देखी होगी, अभी एक भाई से मिले आप, MC² भाई, भाई लव, तो भाई के बारे में कुछ बताओ, मतलब यार रियल लाइफ कैसे है, मतलब इन रियल लाइफ जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ जी, सेम बंदा है भाई, ओके वही बातचीत है, भाई भी पलवल से ही है, तो वही गड़ा है, वही तरीका है बोलने का, वही चीजें हैं, वही प्यार है भाई, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, तरीके से मिलता है भाई। तो बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है अभी तो आपको, मतलब सीन क्या हुआ था हमारा ना, मतलब हमने किसी के थ्रू बातचीत नहीं करी जी, धीरे धीरे अपने आप ही हो गया। बढ़ाना भाई एक बार लेके आए थे, ओके और स्टूडियो 5 नंबर में अपना स्टूडियो, तो वहाँ लेके आए थे भाई, बढ़ाना भाई मिलान लेके आए थे, तो हम उसके बाद मिले हैं, तो फिर उसके बाद भाई भी घर आए थे, ओके ओके, अपनी कुछ पारिवारिक रिश्ते भी जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो ये वाला सीन है भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, MC² भाई से ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया बातचीत हो गई, अभी कल पर सही भाई की कॉल आई, अभी तो उसका तो मैं बताता हूँ ना, अभी तो भाई को शो पे बुलाया गया था, तो अभी मतलब भाई कैसे, मतलब कैसा फील हुआ, तो भाई का कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे शो है भाई चलना है, तो मतलब कैसा ही, मतलब क्या, मतलब यार मेरे लिए तो ये एक्सपेक्टेड था, ओके कि मेरे को बुलाया जाएगा, भाई बुलाएगा, पर भाई अपने हिसाब से समय देख के बुलाएगा कि भाई इस टाइम पे आपको आना, कैसा रहा शो भाई, शो
घूम रहा भाई, मजा आ गया पूरा, क्राउड क्राउड फुल क्या पावर, था, बहुत क्राउड फुल था क्राउड झूमा होगा, प्राउड फील हो गया था भाई, क्राउड तो छोड़ो प्राउड हो गया था ओके ओके कि जब उस स्टेज पे हम चढ़े थे ना भाई, और प्राउड मोमेंट तो था ऑब्वियसली यार, प्राउड मोमेंट तो होगा। दूसरी बात भाई, फिर उसके बाद जब हमने परफॉर्मेंस वगैरह कर दिए तो देखो मिक्स रिव्यूज आते हैं बंदों के, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। उसके बाद एमसी स्क्वायर भाई है, उन्होंने परफॉर्म करा, उन्होंने तोड़ा भाई, परफॉर्म नहीं करा, तोड़ा स्टेज को तरीके से। हाँ मैंने देखा उनका हाँ, तो उसके बाद क्या सीन हुआ है कि उन्होंने भी स्टेज पे भाई हमें आमंत्रित करा, तरीके से बुलाया है, नाम लेके, तो वो प्राउड मोमेंट था कि भाई भाई भी एक स्टैंडर्ड अपने जीवन में अचीव कर और चुके एक हैं। ये बात कहीं से मुझे पता चली कि शो से पहले भाई नियर बाय, मतलब फिर भी उस टाइम भी आसपास थे आप लोग, शो से पहले कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं, कनेक्टेड थे भाई, हमारी शो बात के होती बाद रहती आपकी है। ज़्यादा अच्छी बातचीत हुई है? नहीं वो तो हमारी पहले से बातचीत है, शो तो हमारे लिए बस ये था कि शो हमने पहली बार भाई के साथ करा है। नहीं, मैं इस शो की बात नहीं कर रहा, मैं भाई के शो की बात कर रहा हूँ जो भाई मुंबई में शो करके आए थे, हसल। अच्छा वो आप पीछे की स्टोरी हाँ पूछ मैं रहे हो? पीछे का पूछ रहा नहीं हूँ। पीछे की तो भाई डिफरेंट स्टोरी है। पीछे की स्टोरी क्या है कि अभिषेक भाई गाने बनाते थे, तो यहीं पे अपने भाई हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो उनके साथ वो काम कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब एक इम्प्रेशन मिला था कि भाई ये भाई हैं, ये गाने बनाते हैं, ये अपने गुज्जर भाई हैं। हाँ तो मैंने उस टाइम पे भाई का गाना सुना, तो भाई रैप कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अच्छा कर रहा है भाई, भाई बढ़िया करता है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई से मिलेंगे जल्दी। तो उसके बाद जब हसल में भाई पहुंच गए, हसल में मैंने कुछ देखा है, जब हाँ मेरी चटके फटी है कि ये भाई तो यार कंटेंट बना रहा है, हाँ क्योंकि हम भी ऐसे ही कंटेंट बना रहे हैं डे वन से भाई। तो वो रिलेटिविटी हो गई, एक तो मिट्टी सेम, जगह सेम, हाँ फिर वहां से आने की जर्नी सेम, हाँ सेम तरीके से पले बड़े भाई, सेम तरीके से चीजें हुई हैं। हाँ तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लाइफ पे भाई बहुत तगड़ा है, कि उसमें बंदे में अपनी छवि दिखती है। वो भाई असल जीत के आया था तो हाँ बड़ी खुशी हुई थी भाई, मतलब हाँ भाई, सबको प्राउड आंखों से मोमेंट, ही, हमारे सबके तो लिए आंखों प्राउड से आंसू आ मोमेंट था। गए थे एक तो भाई। हमारा प्राउड मोमेंट इसलिए था क्योंकि एक तो इंडिया से बंदा, ऑब्वियसली इंडिया का शो था तो इंडिया के बंदे होंगे, और एक दूसरा प्राउड मोमेंट ये था कि हमारे दिल्ली NCR के जो बंदे हैं, हमारे फरीदाबाद से एक बंदा गया और वो जीत के आया, जीत क्या है भाई, तो भाई हमारे लिए तो बहुत प्राउड बिग शाउट मोमेंट आउट था। भाई भाई को। एक भाई मैं जो परिवार की जो बात बोल रहा था कि परिवार के बारे में और गांव के बारे में बात करेंगे, वो ये बात है भाई, आप अपने पूरे परिवार को एक मतलब एक फ्रेम में लाके खड़ा कर दिया, क्या बात थी। मतलब गाना था भाई कलाकार ने वो, भाई, वो एक कलाकार ने गाना गाना था भाई, और लोग भी गाना करते हैं, कलाकारों के साथ करते हैं, आपको कलाकार नहीं मिले, आर्टिस्ट नहीं मिले, क्या क्या दिक्कत थी भाई मेरे को भाई। मैं बताता आर्टिस्ट हूँ, इनके दादा, इनके दादी, और मतलब क्या कहते हैं, दादा नहीं थे दादा भाई, नहीं थे, दादा इस हाँ तरह सॉरी, के थे। दादा नहीं थे, दादी और फादर साहब और मतलब भाई ब्रदर वगैरह सब पूरे गाँव को इन्होंने एक फ्रेम में खड़ा कर दिया, तो भाई वो क्या स्टोरी थी। भाई वो एक गाना निकालता मैंने लाडले करके, हाँ लाडले तो था वो रोहित भाई, रोहित रावत भाई अपने गुड़गांव जी से, जी जी तो उनके साथ था वो गाना। ओके तो उस गाने में मतलब वो गाना हमने बनाया कैसे था, एक दिन बरसात हो रही थी, तो रोहित भाई मेरे पास आए हुए थे, तो रोहित ओके भाई कह रहे थे कुछ करना है। रोहित भाई का एक स्टाइल है कुछ काम करवाने का ना, वो क्या करते हैं कि वो फ़ोन मिलाते हैं, हेलो गाना बनाना है, मैंने ठीक है भाई गाना बनाना है, हो तो मैं जाएगा आ रहा हूँ अभी बनाना है तो एट ए मोमेंट आते हैं भाई वो, और ओके तुरंत मेरे को अभी चाहिए, मैं कल कल सोचूंगा। तो हम भाई घर में बैठे, बारिश होने लग गई, तो फिर मैं भाई से कह रहा हूँ यार मेरा एक सपना है, मुझे एक ऐसा गाना बनाना जिसमें मैं अपना परिवार है ना, जो साथ में जो फिलहाल बचा हुआ है, क्योंकि मेरे ना दादा एक्सपायर हो गए हैं भाई बहुत साल पहले, तो उनका क्या सीन है कि अब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जब कोई बंदा जीवन चला जाता था, उसकी असली अहमियत तब पता चलती है जब वो चला बिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो भाई अब बड़ा मिस होता है यार, अगर वो होते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि तू कुछ करेगा जीवन में, तू कुछ ओके अलग करेगा, पर वो चले गए भाई, वो नहीं देख पाए इन अलग चीज़ों को। उनको मैं दिखाना चाहता हूँ और उनके लिए ही मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आज वो देख रहे हैं ऊपर से भाई सब बिल्कुल चीज़ें, उनको बिल्कुल पता है। बिल्कुल पर भाई अब मन में एक शंका थी कि यार सभी चले जाएंगे, सबको एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि जिससे ये बंदे मेरे लिए और मेरे देखने वालों के लिए हमेशा रहे। तो वो एक जरिया था भाई गाना, इस गाने में हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और रियल दिखाएंगे। हाँ फादर, मतलब मैंने देखा भाई गाना, मैंने देखा तो फादर साहब बैठे हैं, भाई भाई खड़े हैं, तो मैंने कभी उनको कैमरे के सामने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे के सामने देखा, और तो बिल्कुल मुझे, कॉन्शियसनेस ही थी हाँ इसमें मुझे भाई, मुझे फुल लगा ही नहीं कि, पावर मुझे लगा कोई एक्टर्स तो मैंने मतलब सीरियसली, मैं तो भाई से पहले मिल चुका हूँ, फैमिली से मिल चुका हूँ, तो मुझे पता था कि हाँ फादर साहब है, मुझे देख के ऐसा लगा, अरे भाई लेकिन अच्छा लगा भाई, मतलब कि आप भाई। पूरी फैमिली को आप ले आए, और उसके अंदर एक और कहानी भी है, बहुत छोटी सी कहानी, क्या बताओ है यार। कि हमारे यहाँ ना एक हवेली है, हमारे गांव में बहुत फेमस हवेली है, तो वो हवेली मैं बचपन में देखा करता था। मतलब हमारे उस गांव में एक पूरा कुनवा होता है ना, जैसे परिवार होता है तो बहुत आपने उस बड़ा, गाने में लिया वो, हाँ, ओके तो वो कुनवा उसके अंदर रहता था, पूरा परिवार बहुत बड़ा परिवार था, लिटरली आप देखोगे तो छोटी कॉलोनी है वो उस टाइम पे, उस ओके टाइम। तो मैं जब उसमें बचपन में घुसता था ना, तो मैं देखता था ऊपर कि ओ भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चारों तरफ देखता था ना, तो एक कॉलोनी सी दिखाई देती थी, वेल सिविलाइज्ड लोग रह रहे हैं यहाँ पे, वो वाला सीन था। हाँ तो वो एक इम्पैक्ट नहीं बन जाता बच्चे के
कि यार हमारे गांव में वो चीज़ देखी थी मैंने बचपन में, वो हवेली है। हाँ, हाँ तो उस हवेली के सामने भी मैंने कुछ स्टेक लिए हैं, अंदर से तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वो खंडर हो रखी है, पर मैंने बाहर से उस चीज़ को भी अमर करा कि मैंने बचपन में वो देखी थी वो चीज़। हाँ, वो अभी भी है, वो अभी भी है। हाँ, वो शायद भाई एडिटर भाई दिखाना भाई वीडियो में जरूर दिखा देना तरीके नाल। तो ये उस गाने की कहानी है भाई, और उस गाने में सब मेरी दादी भी है, मेरी बड़ी मम्मी है, मेरे बड़े पापा तो नहीं आए थे उस टाइम पर जो मेरे फादर साहब हैं, जैसे पापा को 15 साल हो गए हैं वहाँ से गए हुए, और फिर भी उनके वहाँ दोस्त है क्योंकि भाई वो हाँ, पले वो बड़े हैं। obviously गांव में रहे। हाँ, तो मैंने क्या करा कि उनके सारे दोस्तों को इनविटेशन पहुँचाया। ओके, सबको बुला लिया। हाँ मतलब जितने भी बंदे उस फ्रेम में हैं, उस पूरे गाने के फ्रेम में जितने भी बंदे हैं, वो सब रियल है। अच्छा, आपने ऐसा करके एक तो फैमिली को ले लिया और खर्चा बचा लिया ये भी बोल सकते हो। खर्चा तो खैर क्या ही है यार, जब इतना लगाया तो थोड़ा सा और लगा लेते। तो भाई आपने बैक टू बैक गाने दिए भाई, आपने लाडली दिया, आपने हाई स्पीड दिया, एक गाना और था तेरे इश्क में। हाँ, तेरे इश्क तो में। आपके बड़े रहे, आपने बहुत बड़ा किया उनको। उसके बाद फिर आप कुछ समय के लिए गायब हो गए, तो क्या कमबैक का क्या है, मतलब कुछ सोचा भाई? देखो, अगर मेरा करियर डाउन जाता तो मैं कमबैक करता। हाँ, पहली बात, बिल्कुल मैंने खुद अपना स्टेप बैक करा था। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो गाने बहुत सरल हो गए थे। ओके, जैसे मैंने वो गाना लिखा कि मिले दादी का प्यार सुन मैं माँ का लाडला। हाँ, ये लाडली की लाइन है, ये लाडली की लाइन है। हाँ, तो ये मेरे को ना बाद में, जैसे 5 साल हो गए मेरे को करते करते, तो मेरे को एहसास हो रहा है कि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें मैं क्या सीखूंगा, ये तो मेरे आसपास की चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है आराम से। तो मैंने अपना स्टेप बैक करा और मैं हिप हॉप में घुस गया पूरा प्रॉपर, क्योंकि मैं कमर्शियल डे वन से कमर्शियल कर रहा था, मेरे को शौक था हिप हॉप, उसमें मिक्स चल रहा था, पर मेरे को चाहिए था कि कुख्यात, जैसे कुख्यात गाना है, कुख्यात पने चाहिए थे कि भाई वो वाला फटे, जो सुने तो वो हिलता ही रहे, वो वाली वाइब चाहिए थी। हाँ, और एक आपका गाना आया था अभी खरे आदमी, तो उसका मतलब कैसे, वो कुछ भी लिख रखा है भाई आपने, लेकिन लिटरली मतलब मैंने सुना भाई, मैं तो मेरे को समझ ही नहीं आया वो गाना, पहली बार में समझ नहीं आया मेरे को, फिर मैंने दोबारा सुना, फिर मुझे समझ आया भाई क्या बातचीत कर रहे थे आप, उसमें क्या था वो भाई? समझदारी, बेसिकली उस गाने का कॉन्सेप्ट है समझदारी, मैच्योरिटी। हाँ, बिल्कुल, एक बंदे को जीवन कैसे जीना चाहिए वो है वो। बिल्कुल, मेरे को दूसरी बार जब मैंने गाना सुना तो बहुत अच्छा गाना था वो भी आपका। तो भाई उसकी गाने की लाइन है कुछ खतरनाक, और पहले मैं उसका क्रेडिट देना चाहूंगा भाई, क्रेडिट कभी किसी का नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल, जाट मेहर सिंह जी की रागनी थी खरे आदमी, बहुत फेमस। अच्छा, ये बहुत पुरानी रागनी है, बहुत पुरानी रागनी है, इसको बहुत लोगों ने गाया है बार बार। और मतलब मेरा मन था यार कुछ ऐसा करने का ना, जैसे कि हमारे रागनियों में ना ज्ञान होता था। आजकल सब गाने बना रहे हैं, तुझे मार दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये हम भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस सुनना चाहती है, हम भी कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं खाली हम यही कर रहे हैं, हमारी रियलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम जिस समाज से, जिस जगह से आते हैं, वहाँ पे ज्ञान की बातें बहुत होती है, एक दूसरे को बहुत समझाया जाता है, और एक दूसरे की मदद करी जाती है जीवन में बढ़ने में, कोई गलत कर रहा होता है उसको रोका जाता है। तो बेसिकली इस गाने का एम ये था। तो मैंने उनकी ताऊ ताऊ बोलूँगा भाई, जाट मेहर सिंह जी को, तो ताऊ जी की लाइनें उठाई थी भाई कुछ, और उन्होंने उनकी लाइनें सिर्फ दो लाइनें थी, ये कि खरे आदमी मुँह पे कह दे डरा नहीं करते। अच्छा, ये रागनी कभी की? हाँ, जय भाई की आन शिखर में होता है जड़ा नहीं करते भाई, लिटरली मैंने लाइनें सुनी, हिट है भाई। आप मतलब भाई जैसे आबरू होती है ना, इज्जत, भाई की आप शिखर में होता है जड़ा नहीं करते, कि भाई अगर आगे बढ़ रहा है तो जड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खरे आदमी मुंह पे कह दे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जैसे मेरे को कोई चीज बुरी लगेगी तो मैं बोल दूंगा स्पष्ट। बिल्कुल, और ये चीजें मेरे अंदर वहीं से आई है, क्योंकि मैं बचपन से सुन रहा था, एक उम्र पे आके मैंने इन चीजों पे अमल करना चालू कर दिया, बस इतना हुआ। तो फिर मेरे को रिप्रेजेंट भी यही करना था, मेरा म्यूजिक का एम ही ये था कि लोगों पे छाप छूटे, और छाप भाई ये उल्टी सीधी बात है, छाप नहीं छोड़ती, छाप छोड़ती है समझदारी की बातें। जैसे उस गाने में लाइन है भाई, मुंह पे बोल मुंह पे नारा दबी है किसे तय, जय कोई आ गया आगे बड़े नारा जड़ी है किसे तय, घर का बेदी लंका डाये आग लाए प्राण जाए, जिगरानी जी बात का करिए किसे तय, ना राजगी जय हो तय जता देनी चाहिए, दिल में कोई बात तो बता देनी चाहिए, जहाँ दिल ना मिले रहा उड़ा बैठना नहीं अच्छा, पिता के आगे नजर झुका लेनी चाहिए। हाँ, मैंने सुना हुआ भाई। भाई ये यमराज गैंग का क्या सीन है यार, ये मतलब खुद को यमराज समझ बैठे, इसका क्या मसला है ये बताओ भाई? मसला इतना सही है कि यमराज मतलब हम यमराज वो मौत का सौदागर नहीं करे भाई। यमराज, यमराज बेसिकली क्या है, जो किसी को भी किसी भी चीज़ से बाहर निकाल देता है, जैसे एक रूह को एक शरीर से बाहर खींच लेता है। अच्छा, समझ रहे हो? तो अपना काम क्या है कि अपनी टीम के जितने भी बंदे हैं, वो जब भी कभी भी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस टाइम पे वो एकदम से ध्यान खींच लेते हैं लोगों का, तो लोग अपने जीवन की टेंशन, अपना जीवन ही भूल जाते हैं उस टाइम पे कुछ समय के लिए। अच्छा, तो बेसिकली इसलिए यमराज है, इसलिए यमराज गैंग है, और ये किसी एक बंदे की गैंग नहीं है भाई, जितने भी बंदे हैं वो सारे ही यमराज खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने आर्टिस्ट हैं आपके इसमें?
भाई अपने यहाँ कम से कम 7 से 8 आर्टिस्ट हैं जिनमें से 4 या 5 बंदे रेगुलरली अपडेट रहते हैं, जो गाने निकाल रहे हैं, अपने जीवन में अपना काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं यमराज गैंग से। हाँ, पर हमारा ये सीन नहीं है कि भाई गैंग है कोई, समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट हर बंदा अपने जीवन में चल रहा है, वो अपना काम संभाल रहा है, हम लगे पड़े हैं सब तरफ से, पर हम अपने आप को एक नाम दे के चलते हैं। जैसे एफ सिटी हुड है, तो एफ सिटी हुड का मतलब ये तो नहीं है कि सारे बंदे एक टीम में, हाँ वो एक हुड है जहाँ अलग अलग से बंदे आके जुड़ रहे हैं नाम से एफ सिटी से। जैसे दिल्ली के कुछ बंदे अपना हाँ, अभी ये बहुत ज्यादा अपना एफ सिटी बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, तो वो इसी चल रहा है ना भाई, क्योंकि कल्चर है, अब कल्चर फैल रहा है, तो अपना वही सीन है कि हमने एक टीम बना रखी है, यूनाइट कर रखे हैं बंदे। जैसे बाजीगर भाई अपने वहाँ कर रहे थे कई सालों से, बिग डी भाई अपने वहाँ कई सालों से कर रहे थे, फिर हम एक साथ बैठने लग गए। अब एक साथ कोई 10 बंदों का ग्रुप बैठा है तो वो अपना नाम रख ही लेते हैं। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा, स्कूलों में बड़े सीनियर बंदे होते हैं, उनकी टीम का कोई नाम होता है, DNB गैंग, फलानी गैंग, वो क्यों होता है? रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम पूरे स्कूल में अलग दिखे। नहीं, अभी फरीदाबाद का सीन ऐसा है कि अभी एफ सी टी जो चल रहा है, और एक हमारे भाई हैं जो फरीदाबाद की नई चीज कोई भी तैयार होती है तो उसको वो उनका आई थिंक नाम है दिलजोत। दिलजोत, तो भाई उन्होंने भी अच्छा कर रखा है, भी वो पूरा फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं जो भी कोई नई चीज तैयार होती है। हाँ, विल ऑफ फरीदाबाद, बढ़िया काम करता, कोई भी चीज जो तैयार होती है हमारे फरीदाबाद में, वो उसको बकायदा शूट करते हैं और शूट करके उसको डालते हैं अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी शाउट आउट। अच्छा, आप मिले उनसे? हाँ भाई, पूरे यार टीम है, मतलब फरीदाबाद में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको हम नहीं जानते या वो हमें नहीं जानता। ओके, वो उनकी मर्जी है कि वो बताए ना बताए, बाकी हम सबको जानते हैं भाई, सारे बंदे एक दूसरे को जानते हैं, दिलजोत भाई को प्रॉपर तरीके से जानते हैं भाई, सब बातें होती है हमारी आपस में, मिलते भी हम, हमारे हर शो पे भाई आता है। अभी हमारा एफ सिटी में शो हुआ था परसों, तो उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो रहा है हिप हॉप सीन, उसमें भी वो भाई आया है, अपना ड्रोन लेके आया है, बाकायदा कैमरा मैन लेके आया, पूरा लेके गया है वहाँ से फुटेज तरीके से। तो ये अपना सीन है भाई, वो भाईचारा एक तरीके का सिटी के लिए। और एक टीम है VR1, तो आपके क्या रिलेशन है, मतलब कैसा आपका रिलेशन है उनसे? भाई रिलेशन भाइयों वाला है। अच्छा, फुल भाई है, फुल पावर सीन है, फुल बातचीत होती है, मतलब मैं करता हूँ अपनी तरफ से जितनी मेरे पे होती है, मतलब मिलना कम हो रखा है, क्योंकि यार देखो वो भी अपने काम में बिजी है और हम अपने काम में अलग बिजी है। तो कभी साथ में काम किया है, कुछ प्लान किया है कुछ काम? तो भाई हम साथ में जब उनकी स्टार्टिंग हुई थी ना, तो उनकी एक पहली वीडियो आई थी, उस वीडियो के बाद हमने बहुत एक दूसरे के साथ काम करा है। ओके, बहुत ज़्यादा काम करा है। उसके बाद फिर मेरा एक गाना आया था हाई स्पीड गाने में भाइयों ने बहुत समर्थन दिया अपना हर तरीके से, जैसे वो कर सकते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मतलब करा यार, डे वन से वो साथ हैं। बेसिकली सीन क्या है, जैसे हमारी मान लो यार, हम यमराज गैंग है, तो हमारे यहाँ बाजीगर भाई है, बिग डी भाई है, आदि भाई है, हम सब आपस में लड़ते हैं भाई, समझ रहे हो? तभी हम साथ हैं। अगर हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉर्ट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ही नहीं बैठ रहे हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे, मेरे को तेरी इस बात से दिक्कत हो रही है तो मैं सुधारूंगा, अगर मुझे अगले से प्यार है तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगा, नहीं सुधारूंगा तो फिर भाई मैं अपने घर और अगला बंदा अपने घर। बाकी बढ़िया चल रहा है भाई। एक गाना आया था, क्या योगदान था उसमें भी, मैं मुझे सुनने में आया, कोई कंट्रोवर्सी रही है आपकी? कंट्रोवर्सी यार वही वाली चटा, क्या रीजन था? वो भाइयों के लिए काम करते हैं, भाइयों वाला काम करते हैं, पर भाई हमको अलग तरीके से समझते हैं। तो क्या हुआ था, क्या कहानी थी भाई? कहानी ये थी कि गाने की जब ऑडियो बननी चालू हुई थी, मैं तब भी वहीं पे था, हमारा यहीं पे BBTV पे फ्लैट हुआ करता था भाई उस टाइम पे, तो उस टाइम पे गाना बना था, थीम हमारी ये थी, VG भाई है अपने, शाउट आउट टू VG भाई, भाई हैश VG नाम है भाई का। ओके, G4 प्रोड्यूसर है भाई, म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उनके साथ वो गाना बन रहा था भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि साउथ वाली फील हरियाणा में लेके आए। ओके, तो उस टाइम पे वो ऑडियो जो उस गाने में है भी, हाँ मतलब बेसिकली हमारा मुद्दा ही वो था उस गाने में, लाइनें मैंने ऐसी बोली है, लाया खींचता ना गुस्सा तेरी बस्ती में, नू एक काम करूं सारे जबरदस्ती में, मस्ती में हस्ती ना रोड दूं मैं तेरी, मोतियाले झोटे लगा यमराज की कश्ती में। तो ये उस गाने की थीम थी। फिर इसकी वीडियो शूट हुई है, मैं वीडियो शूट पे भी गया हूँ, भाई के साथ पूरा टाइम स्पेंड करा है, नाम तो खैर क्या ही लेना यार, देखो जिसको ढूंढना होगा ढूंढ लेगा भाई तो है ही। नहीं, आप नाम ले सकते हो, बदनाम नहीं करना, बेसिकली बदनाम नहीं करना, समझ रहे हो? बाकी सीन क्या है, अब मैं वो वीडियो देखता हूँ, वो वीडियो रिलीज हो गई है। अच्छा, पहली बात, मैं उस गाने का हिस्सा हूँ, उस गाने का पार्ट हूँ, तो मुझे रिलीज के पहले पता चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैं उस वीडियो में हूँ तो मुझे वो फुटेज भी दिखाई जाएगी, बिल्कुल, उसके बाद ही वो गाना रिलीज हो सकता है, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे कुछ नहीं दिखाया गया और वो गाना अचानक से आ गया है। और वो गाना पहले मैंने नहीं सुना, मेरे बड़े भाई ने सुना, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे पहले वो गाना सुन लिया और वो मेरे को दिखा रहे कि भाई
ये तेरा गाना है हाँ। क्या ये गाना तूने करा था, तू कहाँ है इसमें? अच्छा मेरे को एकदम झटका लगा। अच्छा, मैं सीन खा गए आपके? मतलब सीन खा गए क्या यार, मतलब उस बात एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ ना, मेरा मैं ये नहीं सोचता सीन खा गया हमारा कोई क्या ही खा जाएगा। भाई 10 साल दे दिया हमने तो हमारा कोई क्या खा जाएगा, क्योंकि हमारा तो काम पहले भी चल रहा था बाद में चलेगा, हमसे कुछ लोगों का काम चल रहा है। तो ये वो वाली बातचीत है भाई, लेवल पे काम नहीं, लेवल पे काम करा है, खुद के लेवलों पे काम करा है, किसी और के लिए काम नहीं करा। मतलब अपने लेवल पे काम किया है, जो लेवल भी बनाया था उस लेवल में हम है, हमारी वजह से वो लेवल है, इसलिए हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। वो हमारे भाई का लेवल है, मतलब कंपनी है तो हमारे भाई की है, मतलब हमारी कंपनी है, तब हमने काम कराया भाई। बाकी लव है भाई, सारे भाइयों को प्यार है, कोई हेट नहीं है, समझ रहे हो? किसी लड़ाई नहीं है अपनी, किसी भी एक बंदे से लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबसे बात होती है, सारे अपने साथ हैं, सबसे प्यार है। बस किसी की कुछ हरकत गलत लगती है तो उससे गैप मेंटेन कर लेते, गैप गूप ले लिया करे ना करे परहेज यारने में, यार आने से कोई परहेज नहीं है भाई, गैप ले लेते हैं, गैप मेंटेन कर लेते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहो? हमारी ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए भाई ये है, सारे भाई सपोर्ट करो भाई को। समीर अब्बासी भाई नाम है भाई का, क्लियर टॉक्स, सीधी बातें होती है यहाँ पे, सपोर्ट कर दो भाई, सपोर्ट कर दो। सीधी बातें होती है, हम तो यूं भाई मांग नो लेंगे। फिल्टर सीन है, हम तो यूं मांग लेंगे, नो फिल्टर सीन है, नो फिल्टर, नो फिल्टर। सब्सक्राइब कर दो भाई का चैनल अभी। सो गाइस, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अभी भाई से बातचीत हुई हमारी, और हम आगे भी नेक्स्ट एपिसोड जो है जल्दी लेके आएंगे। और अगर आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो आपके फेवरेट आर्टिस्ट का नाम, हम उनको भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। और मिलते हैं फरीदाबाद, दिल्ली, NCR और ऑल ओवर इंडिया के सारे आर्टिस्ट से, और बात करते हैं और पहुँचाते हैं आप तक। राम राम, दिल से शुक्रिया, राम राम।